अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। टुडे इन दिस लेक्चर आई वुड बी यूजिंग द मिक्स्ड लैंग्वेज सो दैट एवरी चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड। ये हमारी ज़मीन, हमारी अर्थ, ये स्पेस से लिया गया फोटोग्राफ है। अर्थ जो है, इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट कंटेन्स लाइफ। प्लैनेट तो बहुत सारे हैं, 8 हैं, और इनमें से सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, और इनमें से सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जिस पे जिंदगी है। इट इज़ 4 to 5 billion ईयर्स ओल्ड। इसकी जो फॉर्मेशन बताई गई है, कैलकुलेट की गई है, वो 4 से 5 billion ईयर्स है। स्टडी ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड जियोलॉजी। जो अर्थ के बारे में हम पढ़ते हैं, इस पढ़ने की ब्रांच को, शाख को जियोलॉजी कहते हैं। ये सिर्फ इकलौता प्लेनेट है जिस पे एटमॉस्फेयर है और वाटर है, जिसकी बदौलत यहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है। फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, हमारी ज़मीन कैसे वजूद में आई, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज़ दी गई है। कुछ का ज़िक्र मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। पहले ये माना जाता था कि जो अर्थ है, डेवलप्ड फ्रॉम ए रोटेटिंग बॉडी ऑफ हॉट गैसेस इन स्पेस। स्पेस में कुछ गैसेस जो रोटेट कर रहे थे, उनसे ये पैदा हुई। उसके बाद ये बताया गया, जो ये अर्थ है, ये बनी आउट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सन। सन से कुछ मटेरियल आया और उससे ये वजूद में आई। बिलीव्ड दैट इट मे हैव वेरी हॉट ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ फॉर्मेशन। ये यकीन किया जाता है कि जो ये हमारी ज़मीन है, ये पहले जब फॉर्म हुई तब ये बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, और फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स बीतने के बाद ये ठंडी हुई एंड थिन क्रस्ट फॉर्मड ऑन इट्स सरफेस सीलिंग द हीट इनसाइड। फिर इसके इर्द गिर्द एक पतली तह परत, जिसको क्रस्ट कहा जाता है, जिसने इसके अंदर की जो गर्मी है उसको सील कर दिया। नाउ लेट अस सी व्हाट इज इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर क्या है? अर्थ के हम देखते हैं कि, या देखा गया है कि अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं। जैसे कि हम एक अंडे से अगर कंपैरिजन करें, तो इस एक अंडे की ऊपर से एक शेल होती है, फिर अंदर से एक दूसरा एल्ब्यूमिन, जो वाइट पार्ट होता है, उसके अंदर येलो पार्ट होता है, उसको योग कहेंगे। इसी तरह जो अर्थ है, इसकी 3 लेयर्स होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ये लेयर है, पतली सी लेयर है, ये आउटर, इस कलर का, इसको क्रस्ट कहा जाता है। उससे अंदर ये जो मोटी लेयर है, इसको मेंटल कहा जाता है, और इसके अंदर
वाला पार्ट, इससे अंदर मेंटल से अंदर जो हिस्सा है, ये सारा कोर पार्ट है, इसको कोर कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर को भी दो हिस्सों में यहाँ पे दिखाया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। मेनली हम तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं अर्थ को, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब ये क्रस्ट जो है, इसके बारे में हम देखेंगे, व्हाट इज दिस क्रस्ट? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। सबसे बाहर, सबसे ऊपर वाली जो परत है, उसको क्रस्ट कहा जाता है। थिकनेस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसकी जो मोटाई है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 35 to 60 किलोमीटर्स अंडर कंटिनेंट। जो खुश्की का हिस्सा है, ज़मीन का वो हिस्सा जो खुश्की का है, वहाँ पे ये 35 से 60 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। अंडर ओशियंस इट इज़ ओनली 6 किलोमीटर्स थिक। इट इज थिक। ओशियंस में जब देखते हैं तो ये पतली ही होती है, सिर्फ 6 किलोमीटर। यहाँ पे क्रस्ट दिखाया गया है 0 to 60, 0 to 100 किलोमीटर्स थिक। इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस डायग्राम में, इसको आप गौर से देख लेना। लिथोस्फीयर, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल, इस पार्ट को लिथोस्फीयर, फिर मेंटल, जो हम आगे देखेंगे दूसरी स्लाइड। रीजन बिटवीन क्रस्ट एंड कोर इज कॉल्ड मेंटल। जो ये क्रस्ट है और अंदर का कोर, इसके दरमियान वाला जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड द कोर पार्ट, दिस इज कॉल्ड द मेंटल पार्ट। नियरली 2900 किलोमीटर्स थिक। इसकी मोटाई जो है 2900 किलोमीटर तक होती है। इट इज़ मेड ऑफ हार्ड रॉक्स। इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर इज लोअर देन कोर। इसका जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो कोर से कम होता है। मच ऑफ इट इज इन सेमी मोल्टन फॉर्म। ज़्यादातर हिस्सा इसका जो है वो सेमी मोल्टन शक्ल में होता है, पेस्ट जैसा जिसको हम बोलते हैं, लेकिन मोटा, ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं, उसे सेमी मोल्टन कहेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं कोर पर। कोर इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। इट इज़ मेड ऑफ निकल एंड आयरन। सबसे अंदर वाला हिस्सा जो इस स्लाइड में आपने देखा पहले, सबसे अंदर वाला पार्ट, ये जो हिस्सा है, यहाँ पे दो कलर्स का आउटर कोर एंड इनर कोर दिखाया गया है, ये सारा कोर पार्ट हम मान लेते हैं। ये इसमें ज़्यादातर दो मेटल्स की मिकदार ज़्यादा होती है, आयरन एंड निकल। आउटर रीजन कंटेन्स मेटल्स इन मोल्टन स्टेट।
इनर रीजन ऑफ द कोर इज़ ए सॉलिड बॉल। ये जो दो हिस्से हैं, ये जो आउटर वाला रीजन है और इनर वाला रीजन है। इनर कोर जो होता है वो एक सॉलिड बॉल की तरह होता है, और जो आउटर कोर है उसमें मेटल्स होते हैं इन मोल्टन स्टेट। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ एंड हेल्दी, टेक केयर।